गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, सेम आज भी ऐसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोड क्या है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये किसकी पंक्ति है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मांगूंगा। वरदान नहीं चाहिए लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है? तो इसीलिए आपको भी हार नहीं माननी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जुनून एक जिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है हृदय हार्ट, ठीक है? तो जैसे आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा होगा हार्ट, तो इसमें आज मैं आपको एक एक चीज़ डिफ़ाइन करके बता दूँगी। कल मैंने क्या बताया था कि जो हार्ट होता है वो क्या, वो किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है। और इसकी जो रचना होती है ना, ये देखो इस तरह की मुट्ठी नुमा रचना होती है, हाथ की मुट्ठी की तरह इस तरह बना के देखो, है ना, कुछ कुछ ऐसा ही मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार की रचना होती है, ठीक है? और क्या बताया था कि इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 250 से 300 ग्राम। और क्या बताया था? और इसमें कितने कपाट हो, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले, ये बताया था मैंने आपको। किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये बताया था, ठीक है? तो आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए, जब ब्लड आता कहाँ से है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? जिसमें CO2 होती है, वो अलिंद में प्रवेश करता है सुपीरियर वेना कोवा से, यहाँ पे इस वाले राइट इसमें अलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है? यहाँ से प्रवेश करने के बाद कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले से ये है ना, किसके थ्रू जाता है? ये होती है वाल्व, ये जो इस तरह की मैंने बना रखी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये यहाँ से ब्लड आने के बाद, दाएं आलिंद में आने के बाद, राइट ऑट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ से जाता है? इस वाल्व के द्वारा जाता है दाएं नीले में, ठीक है? दाएं नीले से कहाँ पे जाता है? दाएं नीले से इसके द्वारा, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। इसके द्वारा कहाँ पे जाता है ब्लड? यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते हुए जाएगा, इस वाल से आएगा, यहाँ से होते हुए जाएगा राइट इसमें लेफ्ट आर्टियम में, यानी इसमें दाएं बाएं नीले में। पहले शुरुआत कहाँ से होती है? दाएं नीले से कहाँ में आएगा, कहाँ पे आएगा? ये आएगा इसमें, सॉरी, शुरुआत होती है दाएं आलिंद से, आएगा दाएं नीले में। यहाँ से ये किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी यानी फेफड़ों को भेजता है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े इस रक्त को, जो अशुद्ध रक्त होता है CO2 वाला, उसे शुद्ध करके उसमें ऑक्सीजन मिला के उसे कहाँ पे भेज देते हैं? बाएं आलिंद में भेज देते हैं। यहाँ से रक्त जाने के बाद कहाँ पे आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद से ये जो वाल्व होती है, इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इधर वाली वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाली वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये आ जाता है बाएं नीले में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाता है? पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैलाने का कार्य कौन करता है? ये करता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले। ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है? आज हम क्या, ये जो एक एक इसकी एक और मेन चीज़ है कि इसकी जो परत होती है, मैंने बताया था कि ये पेराकार्डियम झिल्ली से ढका होता है, लेकिन इसमें 3 परत होती है। अब वो 3 परत कौन कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं एक बार। जो ये पहले ऊपर वाली सबसे बाहरी परत होती है, इसे क्या बोलते हैं? पेराकार्डियम। यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट बना के, जो पेराकार्डियम परत होती है वो कौन सी होती है? पेराकार्डियम,
ठीक है, ये हृदय की सबसे बाहरी परत होती है, हृदय की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उसे, पेराकार्डियम, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। अब जो ये सेकंड वाली, इसके अंदर जो सेकंड वाली परत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मायोकार्डियम। अब सेकंड भी लिख लेते हैं, मायोकार्डियम कौन सी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो ये पूछ लेंगे कि बीच वाली परत कौन सी होती है, या पूछ लेंगे सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है जिस पर कपाट स्थित होते हैं। मैंने आपको इससे दो क्लास पहले जो क्लास थी उसमें कपाट आया था ना, मैंने बताया था कि कपाट को हार्ट में डिफाइन करेंगे, कपाट होते क्या है, तो जो ये वाली अंदर वाली सबसे लास्ट वाली होती है ना एंडोकार्डियम, उसे हृदय पेशी भी बोलते हैं, हिंदी में अंत्यकला भी बोलते हैं। तो उस वाली पेशी पे हृदय पेशी पे एंडोकार्डियम वाली परत पे कौन से क्या स्थित होता है, चार कपाट स्थित होते हैं, ठीक है, उन्हें बाद में डिफाइन करेंगे। एक बार इसे लिख लेते हैं कि मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम होती है बीच वाली परत। क्या लिखेंगे ये, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए कि ये हृदय की बीच वाली परत होती है, ठीक है। अब थर्ड क्या लिखेंगे, सबसे अंदर की परत क्या होती है, एंडोकार्डियम। थर्ड नंबर पे लिखेंगे जो अंदर वाली परत होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम या हृदय पेशी या अंत्यकला, ठीक है, एंडोकार्डियम। ये कौन सी होती है, ये सबसे अंदर की परत होती है, ये सबसे अंदर की परत होती है, और इस पर क्या होता है, चार कपाट स्थित होते हैं। कौन कौन से कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ये लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ये सबसे अंदर की परत होती है, और क्या होता है, इस पर कपाट स्थित होते हैं, इस पर चार कपाट स्थित होते हैं। जैसे चार चैम्बर होते हैं हार्ट में, उसी प्रकार चार कपाट भी होते हैं, ठीक है। और कपाट कहाँ पे स्थित होते हैं, ये एंडोकार्डियम जो परत होती है उस पर स्थित होते हैं, इसे हृदय पेशी भी बोलते हैं और अंत्यकला भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कपाट कौन कौन से होते हैं, ये कपाट होते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाले, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इसी परत पे स्थित होंगे यहाँ से जाके। फिर होता है बाइकस्पिड वाल्व, थर्ड होता है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे है, और फिर होता है एरोटिक वाल्व यानी महाधमनी का पार्ट, ठीक है, महाधमनी का पार्ट। तो इस वाली परत पे कौन कौन से होंगे, कौन कौन, ये कौन से कपाट स्थित होंगे, चार कपाट स्थित होंगे, उनके नाम क्या है, उनके नाम है, ट्राइकस्पिड को हिंदी में बोलते हैं त्रिकपर्दी कपाट, बाइकस्पिड को हिंदी में बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट, पल्मोनरी वाल्व को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय कपाट, और एरोटिक वाल्व को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी कपाट, ठीक है। अब ये हो गए इसके चारों, ये इसके कपाट हो गए। अब इसमें क्या बचा हुआ है, ये महासिरा, मैंने आपको बता दिया था महासिरा का कार्य क्या होता है और महाधमनी का कार्य क्या होता है। ये महासिरा होती है, ये अशुद्ध रक्त को लाती है, और अशुद्ध रक्त यहाँ पे इसमें दाएं नीले से जाकर फेफड़ों में भेजता है, दाएं नीले फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर देता है। जो महाधमनी होती है उसमें कैसा रक्त आ गया, फिर उसमें रक्त आ जाता है शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें CO2 होती है, शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें O2 होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी क्या होती है, ये जो दो बनी हुई है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के, ये लंग्स जो होते हैं फेफड़े होते हैं, जब ये रक्त शुद्ध कर देता है तो किस में भेजता है, फुफ्फुस धमनी में भेजता है, ठीक है। अब क्या है, दायां नीले दायां आलिंद बायां आलिंद, ये मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है। एक बार पूरी प्रक्रिया फिर से समझाती हूँ। ब्लड कैसे प्रवेश करता है, सुपीरियर वेना कोवा से यानी महासिरा से प्रवेश करता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से कहाँ पे आता है, दाएं नीले में आता है, दाएं नीले इसे फेफड़ों में भेजता है शुद्ध करने के लिए, शुद्ध होने के बाद रक्त कहाँ पे आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है, बाएं आलिंद से ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पे आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है, और बाएं नीले जो होता है वो इसे पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आगे आपको समझ में हृदय, तो अब इसे
ये जो है ये नोट डाउन कर लीजिए और इस चित्र को भी एक बार देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। अब क्या होता है, अब क्या इसमें जो एक होती है इसमें साइनो अट्रियम नोड, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SAN, इसे क्या बोलते हैं, इसमें होता है, इसे बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा कि हृदय का बिजली घर किसे बोलते हैं, हृदय का बिजली घर बोलते हैं साइनो अट्रियम नोड को, यानी SAN को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो हार्ट होता है वो धड़कने का कार्य करता है और इसमें एक प्रकार का करंट होता है। आपने देखा होगा कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि व्यक्ति की बोल देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं उसके बाद भी उस पर वो एक मशीन टाइप की लगाते हैं जिससे वो व्यक्ति होता है उछलता है, बार बार उसे करंट देने की कोशिश करते हैं। तो किस लिए, ताकि ये जो होता है साइनो एट्रियम नोड जो होता है, ताकि उसके अंदर करंट पहुँच सके और उसे व्यक्ति को एक बार फिर से उसके अंदर करंट उत्पन्न होगा तो वो थोड़ा सांस लेने की प्रक्रिया होगी, लेकिन जब वो पूरी अवस्था में तब तक मरता नहीं है, इसीलिए जब पूरी अवस्था में मर जाएगा तो फिर से जीवित तो हो नहीं सकता, लेकिन जब उसके शरीर का पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो ये वाला करंट, ये इस वाले हिस्से में करंट दिया जाता है, किस वाले हिस्से में, साइनो एट्रियम नोड में, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि फिल्मों में ये दिखाया जाता है। एक तो ये हो गया, एक होता है कि जो सबसे पहले जो हम दिल हो ट्रांस, ये हार्ट का जो था इसे हार्ट को सबसे पहले किसने ट्रांसफ़र किया था किसी दूसरे के शरीर में, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहले किसी व्यक्ति का हार्ट निकालकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया था। जब किसी व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है कि उसका हार्ट निकालकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब तक वो हार्ट निकालकर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है तब तक पंप करना तो ज़रूरी है ना, कि अब पंप नहीं करेगा तो फिर इंसान की मौत हो जाएगी। तो वो पंपिंग का कार्य क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा जब तक पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता हार्ट, तब तक वो मशीन कार्य करती है पंप करने का, ठीक है, और फिर उसके बाद मशीन को हटा के हार्ट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले जो हार्ट को का ट्रांसफ़र किया था वो किसने किया था, तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्कूल होते हैं ना, जो सब मतलब बेस्ट स्कूल माने जाते हैं, वो क्रिश्चियंस के होते हैं, तो ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा नॉलेजेबल जो लोग होते हैं वो क्रिश्चियंस ही होते हैं। तो सबसे पहले जो एक डॉक्टर थे, जो अजब मैंने अब ये नाम बताया उनका, यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन ही उनका नाम था, क्रिश्चियन बर्नार्ड उनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसफ़र किया था, सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई थी वो किसने की थी, डॉक्टर बर्नार्ड ने की थी। सबसे पहले हार्ट का ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से निकाल के दूसरे व्यक्ति में हार्ट को लगा देना। ठीक है, इसे नाम, इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए। तो किसने किया था सबसे पहले, बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट से संबंधित सर्जरी कौन सी होती है, ठीक है। अब ये भी लिखेंगे कि हार्ट से संबंधित जो सर्जरी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी, उसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। हार्ट से संबंधित जो सर्जरी होती है उसे क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड कैसे हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, कैसे शुरुआत होती है हार्ट में और कहाँ से घूम के कहाँ तक आता है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें देखना है कि जो हार्ट अटैक आता है वो कैसे आता है, ये ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि जब हार्ट अटैक आता है तो वो क्यों आता है,
और कैसे आता है, क्या होता है, ये देखिए, ये होती है कोरोनरी सिनस। कोरोनरी सिनस क्या होती है, इसमें ये एक प्रकार की इस तरह की नली होती है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, हार्ट में रक्त का सर्कुलेशन होता है, मतलब रक्त इसी के द्वारा हार्ट में पहुंचता रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, जब जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी बताया था मैंने कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, जो लोग काजू बादाम तला भुना और मतलब एक्स्ट्रा खाते हैं, जो लिमिट से ज़्यादा खाते हैं, बस पूरे दिन ठूस ठूस के खाते रहते हैं, उनका काम खाना ही होता है, ठीक है, वो जीते ही खाने के लिए है, तो उनका क्या होता है, उन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो कहाँ पे चिपक जाएगा, मान लीजिए नली है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो वो यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ये चिपकना शुरू हो जाएगा तो ये जो अंदर का रास्ता है, ब्लड आने का आने जाने का जो रास्ता है, वो पतला हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो जिस फ्लो से पहले ब्लड बह रहा था वो उस फ्लो से नहीं बह पाता, फिर उस तरह से नहीं जा पाता अंदर, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे घर के सामने ही है, मान लीजिए कोई रोड है, तो उस पर हमने भी अपने घर के सामने दो चार पैड़ियाँ लगा दी, फिर सामने वाले ने भी और दो चार पैड़ियाँ लगा दी, फिर तीसरा मकान बनता है उसने और एक्स्ट्रा लगा दी, हमने दो लगाई उसने चार लगा दी, तो क्या होगा कि वो गली छोटी होनी शुरू हो जाएगी। जब गली छोटी होनी शुरू हो जाएगी तो जो बड़े वाहन थे वो कैसे निकलेंगे, वो तो नहीं निकल पाएंगे ना वहाँ से। तो सेम वही है कि जब ये जो कोरोनरी सिनस जो होती है, इसमें क्या होता है, जब ये चिपचिपा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से चिपकना शुरू हो जाएगा तो ये जो रक्त आने का जो रास्ता है ना वो छोटा हो जाएगा, तो उस प्रेशर से ब्लड नहीं आ पाएगा जिस प्रेशर से आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये चिपक जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये जाम होना शुरू हो जाता है। जब रास्ता छोटा होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे बंद, जब ये छोटा होता है तो पहला अटैक आता है, जिसे बोलते हैं कि पहला झटका लगा है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बच जाता है। जब धीरे धीरे ये रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है तो हार्ट अटैक इतना भयंकर आता है कि उससे व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। तो पता चला कि हार्ट अटैक कैसे आता है, जब ये जो कोरोनरी सिनस होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल चिपकी वजह से चिपचिपा पदार्थ चिपक जाएगा और ब्लड का प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर जिस स्पीड से आ रहा था उस स्पीड से नहीं आ पाएगा तो क्या होगा कि हार्ट अटैक की संभावना होती है, हार्ट में पहला अटैक पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब रास्ता थोड़ा पतला होता है तो वो झटका इंसान झेल जाता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे रास्ता, ये जो नली होती है, ये जाम होनी शुरू हो जाती है, बंद होनी शुरू हो जाती है, तो तब ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में होना बंद हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तभी भी हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा खुश होने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड का जो प्रवाह होता है शरीर के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शोक लग जाता है इंसान को एकदम से, शोक लगने के कारण क्या होता है कि वो वहीं पे ऐसा का ऐसा ही सुन्न हो जाएगा, एकदम से रुक जाएगा, ठीक है, तो उस अवस्था में भी ये हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन 95% जो चांस होते हैं वो किसके होते हैं, जब जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसमें 95% चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, ठीक है। तो पता चल गया आपको हार्ट अटैक कैसे आता है। अब ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और इस चित्र को भी बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा भी मुझसे बनाया, इतना बेस्ट नहीं बना पाई मैं, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं तो बनाइए। इसमें से जो भी एक एक चीज़ है मैंने उसको आपको बता दिया है, महासिरा का कार्य क्या होता है, माँ धमनी का कार्य क्या होता है, ये मैंने आपको सिरा और धमनी में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो हार्ट का ट्रांसफ़र किया था वो किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट से संबंधित सर्जरी को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं, ठीक है। और हार्ट में कितने कपाट होते हैं, चार कपाट होते हैं, मैं साइड हो रखी इसलिए आप इसे उतार लीजिए। कौन कौन से कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ठीक है, चार कपाट होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय कितने सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए,
ठीक है। तो एक व्यक्ति का जो हृदय का जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, वो 9 सेंटीमीटर होती है। ये जो हार्ट है इसकी लंबाई कितनी है, जो एक वयस्क व्यक्ति में है इसकी लंबाई, जब इंसान वयस्क हो जाता है तो उसमें इसकी लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर। तो इसे पॉइंट बना के लिख लेंगे कि नोट डाउन करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पे इसे, ठीक है। क्या होता है कि एक वयस्क व्यक्ति में हार्ट की जो हृदय की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर। एक वयस्क व्यक्ति में, वयस्क में ही लिखेंगे, कितनी होती है हृदय की लंबाई, 12 से 14 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, और चौड़ा कितना होता है, चौड़ा होता है 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। अब क्या होता है कि जो हृदय पंप करता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। आज मैंने भी देखा है कई बार ये क्वेश्चन कि जब हृदय पंपिंग करने का कार्य करेगा तो डॉक्टर होते हैं ना, वो जो कान में लगा के और या चेस्ट पे रख के सुनते हैं, वो किस कौन सी आवाज़ सुनते हैं, उसे बोलते हैं आला बोलते हैं, जो वो कान में लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें उससे वो कौन सी आवाज़ सुनते हैं, जब हृदय हमारा पंप करता है तो उसमें लब डब की आवाज़ आती है, लब डब, ठीक है। उस आवाज़ को सुन के डॉक्टर हमारी हार्ट बीट पता करते हैं, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल, सभी को पता है 72 बार। और जो पल्स होती है, ये जो होती है पल्स, ये कितनी बार धड़कती है एक मिनट में, 104 बार। ये भी लिख लीजिए कि एक मिनट में हृदय तो 72 बार धड़कता है, और जो पल्स होती है वो कितनी बार धड़कती है, वो धड़कती है 104 बार। ठीक है, अब मैंने ब्लड प्रेशर का बताया था ना आपको कि जो ब्लड जाता कितनी स्पीड से है, 120 की स्पीड से, और आता कितनी से है, 80 की स्पीड से। इसीलिए हमारा बीपी कैसे नापा जाता है, 80 से 120 के बीच में। तो जब ब्लड यहाँ से आएगा तो कैसे आएगा, 120 की स्पीड से आएगा, ठीक है। और जब यहाँ से घूमना शुरू करेगा, मैंने आपको वो चार्ट बताया था ना कि यहाँ से मान लीजिए ये हार्ट है, ये है हार्ट, यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएगा, महाधमनी में जाएगा। महाधमनी मैंने बताई थी आपको, ये महाधमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके आती है। महाधमनी से कहाँ पे जाएगा, धमनी में जाएगा। धमनी से कहाँ पे जाएगा, छोटी धमनी में जाएगा। और छोटी धमनी से कहाँ पे जाएगा, छोटी धमनी से जाएगा केशिका में, कोशिका नहीं, केशिका। केशिका क्या होती है, छोटी छोटी नसें होती है। जब जैसे हमारा हाथ कटता है ना, जैसे हमारा ऊपर से जरा सा हाथ कटा तो क्या होता है, वो जो कटती है ना वो केशिका होती है। वो जो छोटी छोटी नसें, सबसे पहले कौन सी कटेगी, केशिका कटेगी, नसें कटेगी, जो सबसे छोटी नसें होती है उन्हें बोलते हैं केशिका। फिर यहाँ से वापस आना शुरू होता है, वापस आना शुरू कहाँ पे होगा, केशिका से कहाँ पे आएगा वापस, छोटी सिरा में वापस आएगा। छोटी सिरा में कैसे आएगा, रक्त शुद्ध होने के बाद, ठीक है। छोटी सिरा से कहाँ पे जाएगा, यही प्रोसेस है, सिरा में जाएगा। जैसे यहाँ से माँ धमनी से धमनी में गया था, तो यहाँ से छोटी सिरा से वापस किस में आएगा, सिरा में आएगा। सिरा से वापस कहाँ पे जाएगा, महासिरा में जाएगा। और महासिरा से कहाँ पे आएगा, हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड हार्ट में जब प्रोसेस होता है तो कहाँ पे जाके मिलता है, ये यहाँ पे आपस में नहीं मिलता ब्लड, ये महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, यहाँ पे ब्लड नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ब्लड का प्रोसेस चलता है तो वो कहाँ पे जाके मिल जाता है, वो मिल जाता है केशिका में जाके, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप कि जब ब्लड का प्रोसेस होता है तो कहाँ पे मिलता है, जाके केशिका में मिलता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। इसके बाद
एक चीज और देख लेते हैं कि जब व्यक्ति का जो हार्ट होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उसे मशीन के द्वारा पंप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन क्या होता है कि जो ये, इसे ये भी बता दिया मैंने कि इसे साइनो एड्रियम नोड जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बिजली का, बिजली घर बोलते हैं हार्ट का, ठीक है। और जब ये होता है, ये हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है हार्ट, तो इसकी जगह क्या क्या लगा दिया जाता है, जब धड़कने का काम बंद कर देता है जब हमारा, तो उसकी जगह एक पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। जब हार्ट धड़कना बंद कर देता है या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, उसकी जगह एक पेसमेकर लगा दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल सर्जरी होती है। आर्टिफिशियल सर्जरी होती है और वो कितने दिन तक काम करती है, 8 से 9 साल तक चल जाती है वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ कि जब ये हार्ट धड़कना बंद कर देता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो किस कौन सी आर्टिफिशियल सर्जरी की जाती है, उसे बोलते हैं पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर। और ये कितने दिन तक कार्य करता है, ये करता है 8 से 9 साल तक चल जाता है, 8 से 9 साल तक चल जाता है। ये क्या होती है, आर्टिफिशियल सर्जरी बोलते हैं इसे, जब हार्ट हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है या धड़कना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है तब, ठीक है। और ये जो होता है, मैंने बताया कि जो ब्लड का, जो हार्ट का जो ट्रांसफ़र किया था वो सबसे पहले किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये प्रक्रिया जो, ये जो होती है ट्रांसफ़र करने की, ये भारत में, इसमें कितना खर्चा आता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हार्ट ट्रांसफ़र किया जाता है तो अगर इंडिया में कराते हैं ट्रांसफ़र तो 25 से 30 लाख का खर्चा आता है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को, इसी हार्ट को ट्रांसफ़र कराएंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या होता है, उसमें 2 करोड़ का खर्चा आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो लोग हमारे, मतलब जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जिनका हार्ट ख़राब हो जाता है ट्रांसफ़र कराने के लिए, क्या करते हैं, वो इंडिया में आकर ट्रांसफ़र कराते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया तो ओरिजिनल चीज़ें देता है, क्वालिटी अच्छी देता है और दाम कम देता है, ठीक है। जैसे चाइना है, क्वालिटी कैसी देता है, दाम कम देगा लेकिन क्वालिटी बेकार देता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, दाम कम और क्वालिटी अच्छी, ठीक है। तो जो इसका जो खर्चा आता है इसमें ट्रांसफ़र में, हार्ट ट्रांसफ़र में, वो कितना आता है, इंडिया में 25 से 30 लाख का आता है, और जो अमेरिका में या और दूसरे देशों में आता है वहाँ पे आता है 2 करोड़ का खर्चा। तो इस आपको ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने ये भी बता दिया कि जो हार्ट धड़कना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसकी जगह क्या लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल सर्जरी होती है जो 8 से 9 साल तक वर्क करती है, ठीक है। एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा हार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया 2-3 बार, ये आपको पता चल गया होगा कि जो ब्लड होता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, महाशिरा से, सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से इस वाल्व के द्वारा जाता है दाएं निलय में, दाएं निलय से क्या करता है, फेफड़ों में भेजता है शुद्ध करने के लिए, फेफड़े शुद्ध करने के बाद इसे बाएं आलिंद में भेज देते हैं, बायां आलिंद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू इसे बाएं निलय में भेज देता है, और जो बायां निलय होता है वो इसे पूरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है। ये होता है इसका ब्लड का सर्कुलेशन, यानी ब्लड कैसे पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब पॉइंट आ जाता है कि साइनो एट्रियम नोड क्या होती है, इसे बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनो एट्रियम नोड, या इसे SAN भी बोला जाता है शॉर्ट में, तो ये क्या होता है कि इसे बोलते हैं बिजली घर, हार्ट का बिजली घर, इससे ही हार्ट धड़कने का कार्य करता है, किससे, SAN से, साइनो एट्रियम नोड से, ठीक है। अब मैंने जैसे 4 कक्ष होते हैं, ये 4 कक्ष हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 कक्ष यानी चैम्बर, चैम्बर कल बताए थे ना मैंने कल की क्लास में, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, दायानिलय बायानिलय, उसी प्रकार 4 कपाट होते हैं। कपाट कहाँ पे स्थित होते हैं, एंडोकार्डियम वाली जो सबसे अंदर की जो परत होती है, जो हृदय होता है उसमें 3 प्रकार की परत पाई जाती है। सबसे पहली परत को बोलते हैं, जो मैंने कल भी बताया था कि पैराकार्डियम जो झिल्ली होती है, जो परत होती है पूरे हार्ट को ढक के रखती है, उसके अंदर वाली जो परत होती है वो मायोकार्डियम होती है, और सबसे अंदर वाली
वाली जो परत होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, उसे हृदय पेशी भी बोलते हैं और उसे अंतःकला भी बोलते हैं। ठीक है, अंतःकला। तो कन्फ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा टिक लगाएंगे। अब ये तीनों हो गई। अब जो ये एंडोकार्डियम होती है इसी पर चारों कपाट स्थित होते हैं। कौन कौन से कपाट होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकपर्दी कपाट, द्विकपर्दी कपाट, फुफ्फुसीय कपाट और महाधमनी कपाट। अब आ जाता है कि सबसे पहले जो हार्ट का ट्रांसफ़र किया था किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अब उन्होंने जो हार्ट का जो वो, अब इसमें पूछा जाता है कि जो हार्ट से संबंधित सर्जरी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बाईपास सर्जरी। अब जब हार्ट ख़राब हो जाता है, धड़कना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जगह क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल सर्जरी की जाती है जिसे बोलते हैं पेसमेकर, और जो 8 से 9 साल तक वर्क करती है शरीर में। ठीक है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है। अब मैंने ये बताया कि एक वयस्क व्यक्ति में कितने हृदय की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये मैंने लंबाई नहीं लिखा यहाँ पे, लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर होती है। वजन कितना होता है? वजन भी लिख लीजिए, वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम। और इसकी रचना कैसी होती है? मुट्ठीनुमा रचना होती है, मुट्ठीनुमा रचना होती है। और ये किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और जो नसें होती है, जो पल्स होती है, वो 104 बार धड़कती है। हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है? सबसे पहले महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी से कोशिका में जाएगा। ब्लड कहाँ पर जाके मिलता है? केशिका में जाके मिलता है। ठीक है, केशिका से कहाँ पर आता है? छोटी सिरा में आता है। सिरा में आएगा, सिरा से महासिरा में आएगा, और महासिरा से वापस हार्ट में आ जाता है। इसलिए इस प्रकार ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो आई होप आपको ये हृदय हार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे आगे कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और फिर जब लास्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन लगाएंगे जैसे हमने सेल में लगाए थे, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। हमारे अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।